I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. भैरव, कहाँ है बेटा तू? पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। अब तक तो मेरी जान मार देता कि भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दे माँ। आज तो सूरज सर पे चढ़ा है, इसका आता पता ही नहीं है कहाँ गया ये। अम्मा, आपको कुछ बोल के गया क्या? आज सोमवार है ना, पूजा करके दान मांगने गया होगा। ए माई, कुछ डाल दे हमारी झोली में, तेरे दर पे आए हैं। है? अरे गाँव में कोई ऐसा घर नहीं जिसने दान ना दिया हो, लेकिन तुम्हारी माँ को तो कुछ पड़ी नहीं है। तो तुम्हारी है ना, हाँ तो तुम ही समझाओ। अभी लो, बहना भाई आया है। ए, लगता है मस्का लगाना पड़ेगा। हाँ? मेरी माँ मेरे लिए देवी भांति है। ये मुझे मेरे हर काम में काम आती है। अगर चोट लगे तो मरहम बन जाती है, और धूप लगे तो प्यार की छांव बन जाती क्या है। क्या बात है, मैं तन मन धन से इनका ऋणी हूँ। बोले तो कर्जदार मामा, और इनकी ये दिलदारी मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। अब तो इम्प्रेस हो जा माँ। तारीफ कम लगी क्या बेटा? माना कि हमारा खानदानी काम है, पर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता रे। आज के बाद ये सब करने की कोई जरूरत ना है। बहन, क्या माँ, अब इतना क्या सुना रही है? ऐसे भी कौन सी गड़बड़ कर दी है मैंने? आज के बाद ये सब ना होगा, बस छोड़ो ना। हर माँ के लिए उसका बेटा राजकुमार जैसा होता है, और उसके बाद तुझे इस अवतार में देख कर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, तू ही बता दे मुझे। 9 महीने मेरी कोख में रख के पाला है। अरे बापरे, रहने दो ड्रामा। मामा, आज के बाद नो गाना बजाना। अब तो शांत हो जा। वाह, मामा भांजे को जानती हूँ, कुछ ना बंद होने वाला तुम्हारा ये सब। आज अपनी माँ को मना लेगा, फिर से ये सब दोबारा शुरू हो जाएगा। तभी तो आज मैंने भी एक फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया पार्वती बहन? गाँव का सरपंच हूँ, पूछना तो बनता है। सरकार आज ये फैसला लिया है कि अपने बेटे को शहर भेजूंगी मैं। अच्छा, शहर भेजोगी? राठौर साहब के यहाँ भेज दो, वो मेरे पहचान के हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो उनसे कहिए ना, इसे भी उसी काम में लगा लेंगे। हाँ बात कर लूंगा। ए, इतनी ओवर एक्टिंग नहीं चलेगी, इतना बजट नहीं है। बेटा, तेरे भले के लिए तो कोशिश कर रही हूँ मैं। माँ, तू चाहे मुझे रोज 100 गाली दे ले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जी नहीं पाऊंगा तो क्या खाक कमाऊंगा? बेटा, छोटा मुंह बड़ी बात कहती हूँ। तू जैसे अगर वो अमिताभ बच्चन भी अपने गांव में ही रहा होता, तो क्या आज हमारे देश को इतना बड़ा कलाकार मिल पाता भला? वो भी तो घर छोड़कर गए, बहुत बड़ा नाम कमाया। तुझे फिल्म में काम थोड़ी ना करना है। शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ ले बेटा, 4 पैसे कमाएगा तो हमारे ही काम आएंगे ना। तेरे पिताजी तो गाँव के गाँव में ही रह गए, अब तू ही जाकर कुछ कर ले बेटा। हमें किस चीज की कमी है बताओ? 2 वक्त का खाना तो आराम से खा लेते हैं, किसी के मोहताज नहीं है। भगवान की कृपा है कि खाने पीने की कोई कमी नहीं, पर मैं चाहती हूँ तेरी जिंदगी सवर जाए बेटा, तू कुछ बन जाए। मैंने तो बहुत कोशिश की कि तू कुछ पढ़ लिख ले बेटा, लेकिन वो हो ना सका। एक और बात बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी, तेरे पापा ने कहा था तुझे एक महंगी साड़ी ला दूंगा, वो गाँव से बाहर कभी जा ना सके। पैसे जोड़ते जोड़ते मैं कब बूढ़ी हो गई पता ही नहीं चला। मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाए। तू अभी जवान है, बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, शहर जाएगा तो नाम कमाएगा और 4 पैसे भी। मैं मानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ होता है बेटा। आदमी की पहचान भी पैसे से ही होने लगी है। तेरी मेहनत की कमाई से हम भी कुछ अच्छे दिन देख लेंगे बेटा। तेरी माँ की यही एक इच्छा है बेटा, शहर जाएगा ना बेटा? जाना ही पड़ेगा ना, इतना ड्रामा जो कर रही है। दीदी, हाँ? तेरा बेटा बड़ी किस्मत वाला है। वो कैसे? क्योंकि मैं जाऊंगा ना इसके साथ। तुम कहाँ चले भैया? शहर। घोड़े के साथ गधे का क्या काम? अपने भाई को गधा कह रही हूँ। मैं तो बस घोड़े गधे की बात कह रही थी, अब तू अपने आप को गधा कहे तो मैं क्या कहूँ? उड़ा लो, ऐसी उड़ा लो, मेरे जैसे भाई के ढूंढने से नहीं मिलेगा। तुम दोनों ने आपस में बात करके बेटे को शहर भेजने का प्लान बना लिया है, लेकिन मुझसे पूछा क्या? क्या मामा? मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, इसका सोचा क्या? ये सुन भांजे, फिकर नॉट, हाँ मैं हूँ तेरे साथ। सारी बलाओं से मैं अकेला ही निपट लूंगा। ये तू क्या दांत दिखा रही है? चल जा अंदर, ये पकड़, पानी खत्म हो गया, अब जा दूध लेके आ। भांजे के साथ शहर जाना है मुझे, चल निकल। देखी मेरी स्टाइल। भाई
भैरव, शहर जाके काम ही करना, वहाँ जाकर किसी सहरी चोरी के चक्कर में मत फंस जाना। शादी करके अपने गले में बांध कर मत ले आना यहाँ। ले आएगा तो ले आन दे। तू चाहती है तेरी बहन की उसका लूटी बेटी राधा से ब्याह होगा इसका? वो ना होने दूंगी मैं। मेरा बेटा राजकुमार है, देखना तुझे राजकुमारी ही मिलेगी। तुम राधा को इस घर में घुसाना चाहती हो, है ना? हम जाते हैं, तुम बाद में लड़ना। मामा। और नहीं तो क्या? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मामी, दादा दादी ख्याल रखना अपना। चलो बाय बाय बाय। ये सुनना, जब मेरी याद आए तो चिट्ठी विटी लिख देना ना, अब मैं भी जरा प्रेम प्रसंग लिख दूंगा। अरे अरे बीवी से बात कर रहा हूँ, भूल ना जाना। ये बीच में ही बोलेगा सारे के सारे प्रेम के दुश्मन है, दिख नहीं रहा अपनी इकलौती बीवी से बात कर रहा हूँ। चलता हूँ। बाय बाय। छोड़ पल्लू, चलो पूरा खानदानी ड्रामेबाज है। ढाबा आ गया, चल चाय पी लेते हैं। मैं एक सपना देख रहा हूँ मामा, सपना देखूंगा तभी तो कुछ बनूंगा। अरे बस में सपने नहीं देखने चाहिए, सपने भी चालू ही आते हैं। मैं दूंगा तुझे जिंदगी का गुरु मंत्र। आपकी डगर पर मुझे नहीं चलना मामा श्री, माफ करो मुझे। अरे अरे क्या क्या कर रहा है? सुन सुन सुन, मत बोल कि तेरा रखवाला मैं ही हूँ। एक बात बताऊ मामा? बता ना। इतना तगड़ा गुरु मंत्र? अरे और भी बहुत कुछ है लेकिन चाय पीने के बाद बताऊंगा। लेकिन एक बात बता मुझे, ये गुरु मंत्र तुझे दिया किसने? तुम्हारे ताया के मामा ने। ओहो, उन्होंने? अरे ये गुरु मंत्र उन्हें मैंने ही तो दिया था। हे ऊपर वाले, रक्षा कर उसकी नहीं मेरी। भैया 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 प्लीज मुझे बचाओ भैया। मामी सच कह रही थी, उन्होंने कहा था शहर की लड़कियों से दूर रहो, लेकिन ये नहीं कहा कि लड़की पास आ जाए तो क्या करना है। भैया कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं भैया, मैं मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। ए, भाई 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 रुको रुको, अकेली लड़की को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती, जाने दो। ए, तेरे को लड़की दिखती है? ये जो तेरे पीछे खड़ी है ना, ये मेल फीमेल की पैकेज डील है, समझा? ऐसा ही क्या? देखो भाई, ये पहले ही किस्मत का सताया हुआ है, मैं आपसे डबल हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। ए, आज अपनी किस्मत में यही लिखी है, तू अपनी किस्मत में टांग नहीं अड़ाने का, समझा गया? चल निकल। भांजे काहे कचरे में हाथ डाल के अपने हाथ खराब कर रहा है? अभी तो शुरुआत है मामा, ऐसे लोग रहे तो कचरा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो? पहले तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, अब तालियां बजा रहे हो, शर्म नहीं आती? चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। चलो मामा। भैया, दिन भर आदमियों के पीछे घूमकर चंद रुपयों के लिए उन्हें दिल भर डार्लिंग पता नहीं क्या क्या कहती हूँ, पर आज पहली बार दिल से किसी को भैया कहने का मौका मिला। जब तक जीऊंगी दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो। चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अपनों के लिए अपनों से दूर आया हूँ, हे ऊपर वाले आशीर्वाद दे कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूँ। जय महाकाल। आइए बैठिए सर, बैठिए। सुना है आप बड़े ईमानदार हैं, मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी दो बेटियाँ भी हैं ना? पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। जो दहेज न मांगे वैसा ही लड़का ढूंढूंगा। वाह वाह, एकदम उसूलों वाले हैं आप। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक बात बताइए, इतनी कम तनख्वाह में शहर में गुजारा करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, लगता है आपके पिताजी काफी माल छोड़ गए। मेरे पिताजी मेरे लिए सिर्फ उसूल छोड़ गए, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं आईपीएस बनकर, और अब यही मेरी जायदाद है। जिस कंस्ट्रक्शन के केस में हम फंसे उसमें थोड़ी रियायत मिल जाती तो। एक्सक्यूज मी राठौर साहब, अगर आपने उस केस के सिलसिले में मुझे यहाँ खाने पर बुलाया है तब तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अरे आप तो गलत समझ बैठे, खाना खाइए ना। इन
इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अगर एक महीने के लिए टाल देते हैं तो मिनिस्टर जी तो बड़े आदमी हैं सर आप। राठौर साहब, माना कि मिनिस्टर साहब बहुत शरीफ आदमी दिखते हैं, लेकिन उस शरीफ मुखौटे के पीछे एक बहुत ही काला इंसान छुपा बैठा है। उसने आज तक जितने मर्डर्स किए हैं, जितने काले धंधों के अड्डे खोल रखे हैं, उन सभी के काले चिट्ठे मेरे पास मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ जितने भी लोग शामिल हैं, उन सबको भी मैं हथकड़ी पहनाऊंगा। हाथ कहाँ धोने? आइए आइए, मैं बताती हूँ। एसीपी चक्कर खाकर नीचे गिर गया है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। बहुत भाषण दे रहा था कमीना, अब हमेशा के लिए चुप हो गया। मेरे हाथों मौत लिखी थी साले की। अरे भांजे, ये घर है कि महल? क्या चकाचक है। सही कहा मामा। ए, किधर जाता तुम लोग? किसको मिलने का तुझे? अरे विक्की से मिलना है। हमें विक्रम राठौड़ से मिलना है। वो अभी घर पे नहीं है, जाओ जाओ बाद में आने का। अरे बहुत दूर से आए हम। तो मैं क्या कर सकता है? लगता है ऐसे नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो भांजे एक काम करते, अंदर चल के इंतजार करते जब आएंगे। क्या जा रहा है? तुम लोग जो गाँव से आता है मोटी खोपड़ी लेके आता है क्या? एक बार बोला ना वो घर पे नहीं है। चल अभी निकल। अरे बोला ना निकल, चल जाए। ये ले पकड़ इसे हाथ में, बस इसे पकड़ के रख, तुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दबा इसे, दबा। डर मत, डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, देखा मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा। ए, कौन है बे तू? मैं जोशपुरा से भैरव, मुझे बड़ी हवेली वाले ठाकुर साहब ने भेजा है, बोले राठौर साहब से मिल। हाँ, सुनो इसे साहब के पास ले जाओ। जी जाओ। ठीक है। जी कहिए। गले में शंख क्यों लटका रखा है? ये मेरी माँ ने मुझे दिया। ये तो नजर से बचाने के लिए बच्चों के गले में बांधते हैं, तू क्यों लटका कर घूम रहा है? मेरे गांव में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मेरी माँ ने कहा बाहर जा रहा है कहीं नजर ना लग जाए इसलिए पहन ले। नजर लगेगी। आ, फिर वो भी तुझे। हाँ। जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। मालकिन जी रुकिए, सुनिए। अब क्या है? ये साड़ी कितने की होगी? तुझे क्या करना है? मुझे मेरी माँ के लिए खरीदनी है। पूरे 15,000 की है। साड़ी खरीदेगा? अरे 15,000 की साड़ी है? अरे 15,00,000 की हो चाहे, मैं खरीदूंगा माँ के लिए। शहराते ही पर लग गए। अरे दरवाजा खोलिए भाई। हाँ सब। बैठ के मुंह देखते रहेंगे, दरवाजा नहीं खोला जाता नहीं है। सुबह से काहे पीछे पड़े हुए आप हमारे, कहाँ साइन करवाना है बताइए, लाइए। अरे सर। अरे हो गया साइन, लेके जाइए। ये क्या कर रहे हैं साहब? ए, तुम मुंह बंद रखो, सुबह सुबह चले आता है साइन करने के लिए, बिना पैसा के हम साइन कर दे क्या? वो जाता नहीं है। चले जाओ यहां से, चलो उठो। दिमाग खराब कर देते हैं। अब उनको देखिए ना, कारखाना खोल के बैठे यहाँ लकड़ी का। अरे आदमी काटने का कारखाना खोलिए, उन सबको उठा के लाइए, हम सबको रेतते हैं यहाँ पे, रेत रेत के। जितना लोग हमारे खिलाफ खड़ा है ना, सब लोग को यहाँ पर लाकर उनके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। बस इस सफेद सूती कपड़ा हम काहे के लिए पहने हैं, कुछ भी न करते पूर्वक कहीं का। चलो सर, कुछ ना होने वाला ही लोग से, सब नामर्द लोग बैठा है। मंत्री जी, आदमी है तुम। अरे तुम आदमी नहीं है, आदमी काटने का मशीन है, समझा? मंत्री जी ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हा? अरे इतना बड़ा कांड कर दिया और पूछ रहे हम क्या कर दिए हैं? अरे हमारे अंडर में एक तो ईमानदार ऑफिसर था, उसको भी तुम खत्म कर दिया। ऐसा वैसा ऑफिसर था, टीवी न्यूज पेपर हर जगह उसी का चर्चा था, और तुम उसी को मार दिया रे। अरे ऐसा क्या कर दिया था शरीफ आदमी? अरे मैंने उसे नहीं मारा, उसे चक्कर आ गया, पैर फिसल कर ऊपर से गिर गया वो। छोटा सा बच्चा था बेचारा, तुम्हारा छत पे चढ़ गया और तुम्हारे बस मम्मी पापा करके वहाँ छत से कूद गया और नीचे आके गिर गया। हमको बेवकूफ बनाता है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने ही उसे मारा। तो क्या? अरे बाप रे बाप, तुम आदमी है कि शैतान है? आदमी को भी लकड़ी समझता है? इतना बड़ा कारखाना खोला है, आदमी को रेत रेत के मारने के लिए कानून तुमको छोड़ेगा क्या? वो सब संभालना तुम्हारा काम है ना। क्या बात बोले हैं?
एकदम सही बोल रहे हैं। अपोजिशन का बॉल संभालने के लिए तो हम ही खड़े हैं ना बैट्समैन। अरे पेपर में, न्यूज में, हर जगह बस यही चर्चा है। पत्रकार लोग हमारा घर के आगे पीछे घूम घूम के परेशान कर दिया, हमको नींद उड़ा दिया है हमारा। अरे का किया था कि तुम उसको खत्म कर दिया? रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 250 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसकी पूरी जानकारी थी उस बुड्ढे के पास। कौन सा मिल था? रिपोर्ट में तुम्हारा भी नाम था। हमारा भी नाम शामिल था का? इतना हिम्मत किया बुड्ढा? हमको यही बताओ कि पढ़ा लिखा लोग बेअकल का है होता है? इनको अपने लिए, बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए खुशी नहीं चाहिए होता है का? ये लोग इतना कम उम्र में शहीद काहे हो जाता है? ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग का देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रगति कैसे करेगा? हम है ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लोग भी तो चाहिए ना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। का है रे? कमिश्नर साहब का फोन। हाँ ला, बढ़िया खबर है। अरे कमिश्नर बोलो क्या हुआ? अच्छा ए बकवास तू का कर रहा, जाओ यहाँ से। जी सर। तुमको नहीं बोल रहे, तुम बोलो। क्या बोले? अरे तुमको बोले है जाने के लिए यहाँ से, तो जाता का नहीं? अच्छा सर। अरे तुमको नहीं बोल रहे, तुम अपना बात बोलो। हाँ क्या है, क्या हुआ? ओ फिसल के गिर गया। अरे बहुत बुरा हुआ। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ रटोड़वा, अरे मिर्गी पड़ा था उसको, हम तो ऐसा ही तुमको इतना डांट दिए रे। ए मंत्री, उसकी कुर्सी अपने ही आदमी को मिलनी चाहिए। अरे वो आदमी फिर हमारा खिलाफ हो गया तो? अरे ना ना ना, एकदम ना, भूल जाओ। देखो ये जो था ना, ये थोड़ा टेढ़ा नस्ल का था, लेकिन अब जो हम चुन के लाएंगे ना, वो ऊंचा नस्ल का होगा, समझ गया ना? वो जो होगा ना, खाली हमारे बात सुनेगा और केहू के ना सुनेगा, समझ गया ना? टेंशन मतलब, अब हम चलते हैं। अरे राठौड़वा, दो चार गो को तो जिंदा रहने दो ना भाई। चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ताली के बजाएगा। ऐसा मत करना, एकदम में मत करना, किसी को मत छोड़ना। ए, सुन रहे, यहाँ पे ला के सबको रेत दो, सबको काट दो। अरे मेरी जबान पत्थर की लकीर है, एक मिनट। क्या बे? मालकिन ने भेजा है इसे, आपके गांव का है। जी मुझे बड़ी हवेली वाले ठाकुर साहब ने भेजा है। कोई भी काम कर लेगा तू? हाँ मालिक, जो भी काम आता है वो तो फटाफट कर लूंगा, और जो नहीं आता वो फटाफट सीख के कर लूंगा। कौन सा काम अच्छे से करता है? काटना जानता हूँ मैं, काटना। चाकू छुरी देख के डर तो नहीं लगता? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बच्चे खिलौने से खेलते थे और मैं चाकू छुरी से खेलता था। उठते ही मैं अपने कोयते को ढूंढता हूँ, और बिना कुछ काटे तो मैं खाना तक नहीं खाता मालिक। जोशपुरा का बच्चा बच्चा जानता है, अगर भैरव काटने पे आ गया ना तो उसे काटने से कोई रोक नहीं सकता मालिक। अपने औजार तेज किए बिना मैं रात को सोता भी नहीं हूँ। आप बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बात बहुत करता है तू, कुछ काट के बता सकता है? अभी मेरे सामने मालिक, कोई भी पेड़ कटवा के देख लो मुझसे, ऐसे पेड़ काटूंगा कि आप अच्छी अच्छी मशीनें भूल जाएंगे। काम देखकर औजार तय करता हूँ मैं, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती और काम हो जाता है। क्यों मामा? अरे मालिक, हमारा तो खानदानी पेशा ही काटना है। आप मेरे भांजे को जानते नहीं हो, तीन खासियत है इसकी, सूरज उगने से पहले जगना, औजार बना के उनकी धार तेज करके जब ये गाँव में निकलता है ना तो पूरा गाँव इसके आगे झुक के नमस्कार करता है। हंसलो हंसलो, लेकिन इससे इसकी सच्चाई नहीं बदलने वाली है। मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, अपना निवाला तक खिलाया, 60 रोटी खा जाता था, ये बाल्टी भर के दूध पी जाता था। ज्यादा बोल दिया क्या? ठीक है, अब यहीं से काम शुरू कर दो। इधर क्यों बे? यहाँ काम नहीं कर सकता क्या? अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम तो। नहीं, मेरे मामा जी का कहने का मतलब है कि कल अच्छा दिन है, तो अगर कल से काम शुरू करेंगे तो काम अच्छा होगा। भाई लड़का सही कह रहा है, इसको फैक्ट्री शेड में टिका देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, यही फैक्ट्री शेड में रहेगा तू, लेकिन काम कल से शुरू हो जाना चाहिए। वो मैं ये कह रहा था कि इसके चक्कर में मेरा इंट्रोडक्शन तो रह गया। बता दूं क्या, वो क्या है ना, मेरा नाम बंसी लाल है, बंसी बजाने में एक्सपर्ट। चुप है, उठा अपनी पोटले। आज तो मजा ही आ गया। वाओ। संतोष,
किधर है बेटा तू? स्वर्ग में अप्सराओं के साथ संतुष्ट हूँ डैड। अरे तू हमेशा संतुष्ट रहे इसीलिए तेरा नाम संतोष रखा है मैंने। आपके दिए हुए नाम को सार्थक करने के लिए पैदा हुआ हूँ डैड। बस मिनका का वेट कर रहा हूँ। ऐश करो, खूब ऐश करो, दुनिया के सारे सुख तेरे कदमों के तले होंगे बेटा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, जोर से हाथ चलाना, उठा हथौड़ा मार पलट के देखे औजार जमाना। जोर से हाथ चलाना। आहा, क्या बनाया है? जियो भांजे जियो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय शिव शंकर, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय भोले भंडारी, जय कैलाशपति, इसके साथ मुझ पर भी कृपा बरसाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ, घर छोड़कर शहर आ गया हूँ माँ का सपना पूरा करने। बस इतना मांगता हूँ कि अपनी कृपा बनाए रखना। मैं तो कोई कमी नहीं रखूंगा, बस इतना कहता हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तुझे तो राजकुमारी ही मिलेगी। माफ कीजिएगा, वो टीका मामा जी को लगाना था, गलती से आपको लगा दिया। तीन चार, क्या सोच रहा है उसके बारे में? उससे ब्याह करने का इरादा है। अच्छा है, सोच सोच, सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। लेकिन एक बात बता दो, तुझे तभी मिलेगी छोकरी जब होगी रोटी और नौकरी। चली गई। बस बस, अब आई। रामपुर का सरपंच आजकल कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है, ठिकाने लगा दे उसे। गांड होने के बाद कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना। ठीक भाई। ए, गेम बजाना अपने को किसी का, ठीक है? टोन मत हो जाना। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्या भैया, आप भी काम के वक्त भी कोई पीता है भला? अरे भैरव भोले, बिना पिए इमोशन में नहीं बह जाएंगे हा? फिर काटने में आनाकारी कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और भाई अपन पर पूरा भरोसा करते हैं। चलो रे, टाइम हो गया निकलने का। ठीक है, काम करके आइए। हाँ, साथ में रख लेना। देखा मामा, इसे कहते हैं वफादारी। काम करो तो इनकी तरह, जान लगा देते हैं मालिक के लिए। इतने अच्छे लोग मिले हैं इसीलिए तो राठौड़ साहब आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। सही बोला। जरा सोचिए मामा, पेड़ काटते हैं लेकिन इस बात का भी उन्हें अफसोस है कि पेड़ को चोट पहुंचती है। कितने अच्छे लोग हैं, खुशकिस्मत है हम ऐसी जगह पर काम करने का मौका मिला। ऊपर वाले की कृपा है। चलो जरा दो घूंट मार लूं क्या? मना करूंगा तो मानोगे? बाहर जाकर पियोगे वो महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पी लो। बेहोश हो गए तो उठाऊंगा नहीं। पिता नहीं, मुझे भी रोकता है। आराम। बेटा इतना क्यों रो रहा है तू? अरे क्यों रो रहा है इतना? पता नहीं, शायद भूख लगी है इसे। अरे तो घर से दूध पिलाकर लाना था ना। पिलाकर ले आई हूँ जी, मत रो बेटा। ना मुझे तो, क्यों रो रहा है इतना? अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप हो जा, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। अरे लाइए मुझे दीजिए। अरे लाइए ना, ऐसे बहुत बच्चों को चुप कराया है मैंने, लाइए छोड़िए। अरे मेरा प्यारा बच्चा, क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे ले गया हमारे बच्चे को। अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ बेटा, नहीं रोते। शांत हो जाओ। अरे रे 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 रे, जान 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 बेटा, अरे मेरा राजा बेटा। चुप 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 बेटा, शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ।
बस बस। बच्चे को इतना रोते हुए देखकर मैं पूजा छोड़कर चला आया। अब देखो इसने कैसे आराम से चुप करा दिया है बच्चे को। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, स्वयं उस भगवान को दूध पिलाया है। इसे उस भगवान का अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये लीजिए। शांत हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो भोलेनाथ ने किया। कहते हैं हर चीज पे नाम लिखा होता है कि वो किसके पास जानी चाहिए। ये लीजिए। नहीं नहीं ये तुम्हारा है, तुम ही रखो भैया। नहीं नहीं आप रखिए ना, मेरी माँ ने इसलिए बांधा था ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। मुझसे ज्यादा तो इस बच्चे को इसकी जरूरत है। आप इसे ही बांधे रखिए, रोज इसकी नजर उतारना मत भूलिएगा। मेरी माँ कहती है कि छोटे बच्चों को जल्दी नजर लग जाती है। अच्छा नमस्ते। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। बोलो। बच्चे के साथ बाहर निकलो तो खाने पीने का सामान लेकर निकलो, पता नहीं बच्चे को कब भूख लग जाए, परेशानी नहीं होगी। अच्छा चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे आप, मैं आप ही से मिलने तो यहाँ आया था। मुझसे मिलने आए थे? हाँ आपसे काम था, एक चिट्ठी जो लिखवानी थी आपसे। क्यों, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे पढ़ना तो मुझे बहुत आता है, बस लिखने में थोड़ा लफड़ा है। हाँ जब माँ बेटे की चिट्ठी पढ़ेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्यों सही कहा ना? वो तो है। तो फिर मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए ना। हाँ ठीक है। मेरी प्यारी माँ के चरणों में इस बेटे का प्रणाम अर्पण है। मैं यहाँ आराम से हूँ, आशा करता हूँ कि आप दादा दादी काका काकी और सारे गाँव वाले ठीक होंगे। और क्या? हाँ लिखिए लिखिए। मुझे ना बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। उनका पेड़ काटने का बहुत बड़ा कारोबार है और वो लोग बहुत अच्छे भी हैं। मेरे आने से पहले ये लोग बेचारे मशीन से पेड़ काटते थे। मैं इनको यहाँ रोज औजार बना के देता हूँ। अब तो उनकी सारी मशीन बेकार है। मैं तो यहाँ मजे में हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना। और इस चिट्ठी को लिखने वाली है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम बताओ। गौरी। क्या? गौरी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ और लिखना है क्या? हाँ लिख दो कि ये चिट्ठी गौरी नाम की लड़की लिख रही है, वो बहुत ही अच्छी है और दिखने में बहुत सुंदर भी है। माँ ये सब लिखने की क्या जरूरत है? अरे माँ को पता होना चाहिए कि उसका बेटा शहर आकर अच्छे लोगों की संगत में है। अब आगे लिखो। अरे लिखो ना लिखो। हाँ। वैसे माँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, और जब तेरी याद आती है ना तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा गाँव वापस आ जाऊँ, पर तेरा सपना भी तो पूरा करना है। इस चिट्ठी पर ना ये पता लिख दीजिए। आपका शुक्रिया। क्या तुम भी, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों? आपकी वजह से आज पहली बार मुझे माँ को चिट्ठी लिखने का मौका मिला है ना, इसीलिए शुक्रिया कह रही हूँ। मतलब? माँ नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तभी वो गुजर गई। और पापा? वो गांव में रहते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ म्यूजिक टीचर हूँ, बच्चों को वायलिन सिखाती हूँ, यहीं हॉस्टल में रहती हूँ। तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है क्या? खैर छोड़ो ये सब। कुछ लोग पैदाइशी अनाथ होते हैं और कुछ तो सब कुछ होने के बावजूद भी अनाथ होते हैं। अनाथ होना गलत नहीं है, पर जिंदगी में अनाथ की तरह जीना गलत है। देखो तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियाँ मिलेंगी क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अरे माँ को चिट्ठी लिखने के चक्कर में मैं भगवान के दर्शन करना ही भूल गया। अच्छा मैं चलता हूँ, उसमें भी वक्त लगेगा। वैसे मैंने भी दर्शन नहीं किए। ठीक है तो चलो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे आते हैं तुम्हारी क्लास में? करीब 20 बच्चे होंगे। पंडित जी। अरे आ गई तुम। हाँ मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। मुझे थोड़ा काम था। लो लो आरती लो। ओम त्र्यंबकम् यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् अदात्मकम्। तो साहबजादी यहाँ है? लगता है इसक का जोर है। अच्छे अच्छे नहीं बच पाए इससे। भांजे, ओ भांजे, सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुना था प्यार अंधा होता है, यहाँ तो बहरा भी हो गया। भांजे, बहरे। मम्मी, मामा, तुम यहाँ कब आए? पूछ रहा है तुम यहाँ कब आए? लगता है तू प्यार में बावला हो गया है।
क्या कर रहा था रे? डुएट गा रहा था। आजकल बेसुरे डुएट गाने लग गए। किसके साथ? उसी के साथ जो उस दिन हमें मंदिर में मिली थी। पता है उसने माँ के लिए चिट्ठी भी लिखी, गौरी। अरे चिट्ठी लिखने वाली से ही शादी करनी थी तो हमारे गांव के पोस्ट मास्टर की बेटी का कम है, वो क्या नाम था उसका? सुशीला। सुशीला वो एक दिन में करोड़ों चिट्ठी लिख देती तुझे। क्या मामा, उस हथनी और गौरी में कितना फर्क है। गांव की क्यों पसंद आएगी अब तुझे, शहर से आ गया है तो उसे बताया तूने? अभी नहीं बताया, बताऊंगा ना। हाँ जैसे कि तेरे बताती वो मान जाएगी। है क्यों भला, मुझ में क्या कमी है? ये ऐसा नहीं मानने वाला। तो एक काम करते हैं, जरा इसे एक छोटी सी रिहर्सल करवा देते हैं। एक बात कहूँ गौरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जरा साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा मतलब है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और शादी के बाद रखोगे कहाँ? हाँ यहाँ इस फटीचर गोडाउन में। अरे तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम गांव चले जाएंगे ना, वहाँ आराम से रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी वहाँ। अच्छा हाँ, तो कोई कमी नहीं है वहाँ? और नहीं तो क्या। अच्छा गांव में तुम्हारा अपना घर है वहाँ? घर नहीं महल कहो, महल। कितना बड़ा है पता है? पुश्तैनी जायदाद है वो हमारी। इतना बड़ा आंगन है हमारा, चार बड़े कमरे हैं और एक रसोई है, बहुत बड़ी छत है, गलियारा है, और क्या चाहिए, सब कुछ है वहाँ पर। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे घबराहट हो रही है। और टॉयलेट? टॉयलेट टॉयलेट यानी शौचालय। कैसी बातें कर रही हो, टॉयलेट और घर के अंदर हम नहीं बनवाते। मतलब लोटा लोटा लेकर जाना पड़ेगा मुझे? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी नदी है उसी के पास। तो मैं ये तुम क्या कर रही हो? फोकट ये कहीं के मुझसे शादी करना चाहता है तू? हाँ अभी बता। अरे अरे क्या कर रही हो? मेरी तो ऐसे क्या समझ रहा है, दुर्गा कैसे बन गई? अरे कोई बचाओ, एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते तुम? इतने ऐड चल रहे टीवी पर और मुझसे शादी करोगे? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, लोटा लेकर मैं नहीं जाने वाली। सरकार आजकल मदद भी कर रही है फिर भी देखो कैसे कैसे लोग हैं। तीसरी फेल है ना तू, तेरी सोच ही छोटी है। और मैं एमए पढ़ी हूँ, मुझसे बराबरी करेगा, मुझे बीवी बनाएगा? हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। देख 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 कितना फर्क है, देख क्यों है ना गोरी, तो फिर भी चला आया मुंह उठा के शादी करने। तुझे बेचारा समझकर मीठी बातें कर ली तो तू तो सीधा गले पड़ने लगा। दू क्या दो चार, पता चलेगा तुझे मेरे पीछे पड़ा तो अकल ठिकाने लगा दूंगी। खबरदार जो मेरे सामने आया तो इतना मारूंगी कि अपनी शक्ल ही भूल जाएगा, शादी करने के काबिल ही नहीं रहेगा, याद करेगा जिंदगी भर। ठीक है ठीक है, मुझे नादान समझकर माफ कर देना, उठ जाऊं क्या? आईने में सूरत देखी अपनी, बड़ा आया था शादी करने और वो भी मुझसे? हां नहीं, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, कैसे कैसे लोग गले पड़ जाते हैं, समझते क्या है अपने आप को। गौरी तुम तो ऐसी ना थी, लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। भांजे। हाँ मामा। इन लड़कियों के नाटक किस किस तरह के हो सकते हैं ये तू बिल्कुल नहीं जानता है, ये तो शुरुआत थी, सोच ले एंड कहाँ हो सकता है। मामा। इधर इधर बैठ 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 जा, ये मत भूल कि हम गांव से यहाँ आए सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो मोहब्बत बंद तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मेरे भांजे। पता है वो कितनी अच्छी लड़की है, ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। उस दिन एम्बुलेंस जा रहा था तब मैं उसके साथ था, अनजान आदमी की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी वो। इतनी अच्छी लड़की कहीं मिलेगी भला? अब मिली है तो हाथ से क्यों जाने दूं? अजनबी के लिए इतना कर दिया, सोचो मेरे लिए क्या क्या करेगी। माँ ने कहा था तुम्हें एक राजकुमारी जैसी लड़की मिलेगी, लेकिन मुझे राजकुमारी ही मिल गई। बेटा दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मामा ये ढोल जब पास आ जाएगा ना तब भी सुहावना ही लगेगा। और एक बात, वो मेरे लिए बनी है और मैं उसके लिए बनाऊ, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ वरना दूंगा तुम्हें भी एक। तेवर देखो, राजा को रानी से प्यार हो गया। छोटी नाली से कचरा निकालना आसान होता है लेकिन ये तो गटर के अंदर कूद रहा है, मरेगा। कूद बेटा गटर में, कूद कूद के जब बाहर निकलेगा ना तो उसकी बदबू से तू फुदक फुदक फुदकता रह जाएगा। बच्चों तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है आज आप यहाँ? तुमसे कुछ काम था इसलिए आया। माँ के लिए चिट्ठी लिखवानी है? हाँ चिट्ठी तो लिखवानी ही है, तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। बोलिए ना। पहले आप गर्मा गर्म कॉफी पीजिए, बात तो होती रहेगी। दरअसल बात यह है कि
मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। देखा ना हिचकी बंद करवा दी ना मैंने। मेरी माँ कहती है अगर किसी को हिचकी आए और उसे रोकना हो ना तो उसे कुछ ऐसा कह दो जो सुनकर उसे धक्का लग जाए। आप भी ना। मैं तो स्टाइल ही ऐसा है मैडम, हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। वैसे मैंने जो भी कहा वो सिर्फ तुम्हारी हिचकी रोकने के लिए नहीं कहा। प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है, उसे छुपाना गलत बात होती है। दिल में कभी कुछ रखना नहीं चाहिए, जो भी दिल में है उसे फटाक से बोल देना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है। मैंने तो अपनी तरफ से क्लियर बता दिया, तुम्हें अभी के अभी जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, कहाँ गया? ये लो, ले लो। क्या है और इस पर हल्दी क्यों लगी हुई है? आप इसकी पूजा वूजा करके लाए हैं क्या? ये प्रेम पत्र है और मेरे लिए प्यार ही पूजा है। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। लिखा हुआ है ना, अगर तुम भी मुझसे दिल से प्यार करती हो ना तो तुम इस कोरे कागज में मेरे दिल की बात आराम से पढ़ सकती हो, पढ़ लेना। परिभाषा। संत कबीर ने एक बार कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाए आखड़ प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। संतोष ये क्या कर रहे हो तुम? जिस प्रेम की भाषा तुम सिखा रही हो तुम्हारे साथ मैं वही परिभाषा पूर्ण करना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। Shut up and get out, you rascal. रास्कल कर। संस्कृत में राक्षस होता है और राक्षस का काम प्रेम छीनना होता है। तो अब मुझे तुम प्रेम की पोथी पढ़ाओ ना कबीर की तरह। हे, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, टीचर। मुझे छोड़ दो संतोष। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल करूं क्या मैं? मैं शादीशुदा हूं संतोष, मेरा एक बेटा भी है। बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से भी एक बेटा ले लो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो संतोष। भगवान के लिए? अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? प्रसाद, मेरा प्रसाद तो तुम ही हो। मुझे जाने दो प्लीज। अपने भगवान को नाराज करोगी तो तुम्हें पाप लगेगा और पापियों को तो नरक मिलता है। अगर नरक से बचना है तो अपने नारायण को खुश करो। मैं ही तुम्हारा नारायण हूँ, मेरी चरणों में स्वर्ग है। अरे काहे तब से भौंके जा रहे हैं, सीधा सीधा बोलना। हाँ, क्या बोला सर? ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए क्या करना है। सर मैं हूँ सूरज प्रताप, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑफिसर ऑन ड्यूटी सर। मैंने बस आज ही चार्ज लिया है। आप ही ने मेरा यहाँ ट्रांसफर करवाया ना सर? थैंक यू सो मच सर, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अच्छा, आज तक की रिपोर्ट ये है कि 8 मर्डर, 5 रेप और 11 किडनैपिंग हुई। अब मैं आ गया हूँ सर, एक भी कंप्लेंट आने नहीं दूंगा। जब जुर्म होगा ही नहीं तो कंप्लेंट होगी कैसे? ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, कालाबाजारी, इन सब के पीछे शहर में एक ही आदमी का हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ एक भी केस रजिस्टर नहीं है। सर मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, इन सब इलीगल एक्टिविटीज के पीछे विक्रम राठौड़ नाम के आदमी का हाथ है। क्या बोला सर? विक्रम राठौड़। आप जानते हैं उन्हें? भाषण खत्म, ये और कुछ बोलना बाकी है? सॉरी सर, आई एम डन सर। अब मैं चलूं सर? अरे इधर आ। अच्छा छोड़ो, हम ही आते हैं। तुमको डर ना लगता है? ये जो रठोड़वा है ना, उसका नाम से पूरा शहर कांपता है। सर मेरा नाम सुनकर ये पूरी दुनिया कांपती है। क्या बोला? क्रिमिनल्स आंख नहीं मिलाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अब मुझे समझ में आया है कि आपने मेरा यहाँ ट्रांसफर क्यों करवाया। यहाँ पे दरिंदों को सजा दिलवाने के लिए और इस शहर को सुरक्षित बनाने के लिए। उस आदमी ने इस शहर को अपनी जागीर बना ली है। आपको भी उससे दिक्कत तो हुई होगी। सर आप मुझे बस एक महीने की मोहलत दीजिए, मैं उस राठौड़ का सफाया कर दूंगा।
इस शहर से उसका नामो निशान मिटा कर रख दूंगा और इतना ही नहीं उसकी सारी इलीगल एक्टिविटीज बंद करवा दूंगा। और आपके सामने अगर मैंने उसे शूट नहीं किया, मेरा भी नाम सूरज प्रताप नहीं। आप कुछ दिन के लिए शहर छोड़ दीजिए सर, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। गांव में खेती करने चल जाएं? मेरा वो मतलब नहीं था, आपकी जान को यहाँ खतरा है। मैं शहर को सुधार के रख दूंगा, यहाँ से आतंक का साया हटा दूंगा। बिलीव मी सर, आपका मुझ पर जो भरोसा है वो कभी नहीं टूटेगा, जी जान लगा दूंगा। सुबह टीवी में हमारा इंटरव्यू देखे थे? जी देखा था सर। उसमें बहुत इमोशन भरा था ना? जी सर। हम नेता लोग जो होते हैं ना, नौटंकीबाज होते हैं, बहुत बढ़िया नाटक किए हम। राठौड़ से कब मिले हैं? जी नहीं सर। सर नमस्कार मंत्री जी। अरे भाई नमस्कार। 100 साल जीव के भाई। अरे ऐसा भी क्या हो गया? इनसे मिलो, ये हमारा शहर का नया ACP। क्या कह रहे थे ये तुमको जैसे ही देखेंगे ना तो शूट कर देंगे। अरे भाई घोर कलयुग है, पापी लोग का उम्र बढ़ता है इसमें। अरे का नाम है इसका ACP? क्या कह रहा था कि शहर को सुरक्षित कर देगा। ये जो हमारा शहर है ना उसको हम दोनों मिलके चलाते हैं। हम पॉलिटिक्स का किंग है और ये अंडरवर्ल्ड का किंग है। हमारा शासन चलता है यहाँ पे, समझा? और हम लोग अपना सेना के लिए एक सेनापति खोज रहे हैं। सेनापति तुमको बनना है कि नहीं बनना है ये तुम डिसाइड कर लो भाई। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपका इंटरव्यू देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। आई एम सॉरी सर। बाय द वे आई एम सूरज प्रताप सर, नाइस टू मीट यू। हाथ मिला लो भाई, अपना ही आदमी है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया तिकड़ी बनेगी। अरे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप भी आ जाइए बहन जी। ओए ACP, हमसे गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। आप रहने दीजिए, रहने दीजिए, उसके लिए हम है ना, हम समझा देंगे इसको। आप खाली अपना हाथ मिलाइए। ठीक है मिनिस्टर साहब। अब इस शहर को हम लोग से कौन बचाएगा? सुनिए नाश्ता तैयार है, करके जाइए ना। मैं खाऊंगा, मुझे बाहर का पसंद है। तुझे बाहर का खाने की कुछ ज्यादा ही आदत है, अब घर में भी टिक जाया कर। Oh no, Dad, it's boring. एक बात ध्यान रखना, बैल कितना भी बाहर चढ़ने जाए पर बंधना उसे घर में खूंटे से ही पड़ता है। अरे मामा संभल कर, कार चला रहा है हवाई जहाज? ऐसे कैसे लोग हैं? मेरी सटक है तो पता नहीं किसकी सटक दूंगा। कंट्रोल करो गुस्सा, हाल गीला मत कर। अच्छा क्या करना है उसका? क्या हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे भी इसमें पड़ना पड़ेगा? उसी को दे दो, वही संभालेगा सब कुछ। ठीक है। हाँ बोलो। मालिक क्या है? मालिक से कुछ काम था। तुझे नहीं, तुझसे पूछ रही हूँ, उनसे कुछ बात कर। क्या है इसका मामला, सलटाओ। क्या हो गया भैरव, यहाँ कैसे आना हुआ? तेरी बाप की शादी के लिए। क्या मामा? मालिक आज महीना खत्म हो रहा है तो मामा चुप रहो ना। ले 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 ले, उठा उठा ये ले। जी मालिक, शुक्रिया मालिक। उसे ऐसे भेजे पे क्यों लगा रहा है? ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है ना मालिक। चलते हैं मालिक, चलो चलो मामा। इसका वजन तो बहुत ज्यादा है। हाँ मामा है? अब बस 5,000 रुपए की कमी है, उसके बाद तो माँ की साड़ी आराम से आ जाएगी। अब तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आत्मा को शांति मिलेगी। और नहीं तो क्या, चलिए। एक लड़का मुझसे प्यार करता है पापा, वही मेरा प्यार है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ और ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं चाहती हूँ आप उससे मिलें, अगर वो आपको ठीक लगता है तभी मैं हाँ कहूंगी। आपकी हाँ में ही मेरी हाँ है पापा। ये चिट्ठी उस लड़के ने ही मुझे दी है। ये क्या है बेटी, इस पर तो कुछ नहीं लिखा। मैंने भी यही पूछा था पापा, तो उसने मुझसे कहा कि उसकी दिल की बात इस कोरे कागज में ही लिखी है। मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। पापा हुँ? वो आ गए। ये है मेरे पापा। आप शायद ये सोचकर आए होंगे कि आपका होने वाला दामाद तुरंत आपके पैर छुएगा। अगर आप मुझे मंदिर के बाहर मिले होते तो यकीनन सबसे पहले मैं आपके पैर ही छूता, लेकिन फिलहाल हम मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपके पैर नहीं छू सकता, क्योंकि मंदिर के अंदर तो सिर्फ भगवान के सामने ही झुका जाता है।
मेरी माँ कहती है कि मंदिर में भगवान के सिवाय किसी और के चरणों में सर नहीं झुकाना चाहिए। ये संस्कार ही तो है जिसके बलबूते पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे माता पिता से कम मिल सकता हूँ, शादी की तारीख जो निकालनी है। लेकिन आपने तो मेरे बारे में और कुछ पूछा ही नहीं, तुरंत ही फैसला ले लिया आपने। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरी बेटी नहीं रही बल्कि तुम्हारे घर की बहू है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रहे। अच्छा शगुन है, ये जोड़ी भगवान के मंदिर में बनी। सुनिए। हाँ। स्टेशन जाने वाली बस आएगी तो क्या बता देंगी? हाँ हाँ जरूर बता दूंगी। देवी जैसे कन्या लेकिन अंधी है, काम के बाण को दिखाई देना जरूरी नहीं है। ऐसे सौंदर्य के मैंने आज तक दर्शन ही नहीं किए कभी। ब्यूटीफुल एंजल। तो इसको उठाने क्या भाई? हे हे हे। जल्दी का काम शैतान का और मैं तो देवता हूँ। मैं हूँ सौंदर्य और प्रेम का पुजारी। सब्र करना होगा क्योंकि सब्र का फल तो मीठा होता है। वेट 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 वेट। आ जाओ जल्दी आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा। एक बार जो मैंने शिकार को देख लिया मैं उसे फाड़ के खा जाता हूँ। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, अब वो नहीं बचेगा। हो गया इसका गुस्सा ठंडा, बच गए। क्या हुआ भाई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो कि हमको सुनाई देना बंद हो गया है? कान चेक करो कोई। अरे कान चेक करो भाई। हेलो 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक। कान ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए राठौड़वा, तू यहाँ पर आकर बैठेगा कि नहीं? चला के बैठ। अरे बैठना यार, इतना गुस्सा करना अच्छा बात नहीं है, शांत हो जाओ। बताओ वो कौन है भाई जो कि तुम्हारा हाथ से छूट गया है? पार्टी बदल दी उसने। पार्टी बदल दी है? कौन इतना बड़ा हिम्मत किया? अरे वही कमीना माथुर। अरे वो पार्टी बदल दिया है तो अब तुम उसको छोड़ो मत, उसको यहाँ बुलाकर काट डालो। अरे मंत्री जी बात को समझो, वो होम मिनिस्टर का खास आदमी है, पता है? ये बात तो हम भूलिए गए थे भाई। ए, वो कुछ हो, उसको यहाँ बुलाकर नीचे से लेकर ऊपर तक दो फाक में पाट देंगे। बुलाकर काटो उसको। ये काम मुझ पे छोड़ो। तुम जानता है उसको? वो आखिर है कौन? क्रिमिनल ही है ना, किडनैपिंग मर्डर बहुत सारे केस चल रहे हैं उस पे। बस हाँ बोलो, एनकाउंटर कर दूंगा उसका। तो बड़ा काम का आदमी है रे। सिवे। अरे तुम मना काहे कर रहा है? अगर ये मारेगा तो इसे एक मेडल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। अगर यही काम मैंने किया तो लोगों के दिलों में मेरा खौफ हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एकदम सही कहा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे इलाके में। अरे बाप रे, तू दोनों का बात सुनकर हमारा दिल कितना खुश हो गया। अब उसको यहाँ पर पकड़ कर लिया और जल्दी से जल्दी उसको यहीं पर सलटा दो। अरे मंत्री जी हर चीज की जल्दी रहती है आपको, काट डालेंगे उसे, कहा ना? हाँ तुम ही काटना उसको, छोटा 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 टुकड़ा कर देना। हुई हुई। अरे वाह वाह, काफी तैयारी में निकल रहे हो। हाँ। बहुत बड़ा काम है क्या? बहुत दिन के बाद आज भाई काम पे निकल रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद भाई अपने हाथों से काटने वाले हैं। लगता है पूरा जंगल ही काटना है। चलो चलो। अरे अरे एक मिनट रुको भाई रुको। अरे तू कहाँ जा रहा है? वो खास वाला कहाँ रखा है मामा? भगवान की फोटो के पास। हाँ
भोलेनाथ, यहाँ पर पहली बार मैंने यही बनाया था, इसमें ऐसी शक्ति डाल दे कि एक ही बार में काम हो जाए। अच्छा सुनो भाई, ये मालिक को दे देना। दे देंगे, चलो रे। अरे भैरव, ए, क्या हुआ? तूने वो क्यों दे दिया? उनका काम बहुत जरूरी है। लेकिन वो, अरे वो भगवान का। चलो ना। ए भैरव, चल तुझे दिखाता हूँ भाई कैसे काटते हैं। ए, चल ना, चल, हम भी देखते। अच्छा ठीक है, चलो। एक बात बताऊं क्या तुम? हाँ बोल बोल। तुमने पूछा ना वो कोयता क्यों दिया? उससे मालिक का काम फटाफट हो जाएगा और उससे होगा ये कि वो मुझे नौकरी से हटाएंगे नहीं। सही बोल रहा है तू, शहर आए चार दिन में बहुत तरक्की कर ली तूने। अपन बहुत फास्ट है। मामा, वो राठौर साहब के आदमी उस आदमी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? चक्कर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं विक्रम राठौर, शहर का बच्चा बच्चा जानता है मुझे, यहाँ का बादशाह हूँ मैं। जी जानता हूँ। मेरे मामले में टांग अड़ाना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। लगता है तेरे दिन पूरे हो गए इसलिए तूने मुझे छेड़ दिया माथुर। इसकी सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा शहर कांप उठेगा। मामा, ये तो वही कोयता है। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, मेरी मेरी से गलती हो गई साहब। हे महादेव, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पीछे यहाँ, चलो साइड हटो, हटाओ इन सबको, चलो चलो। पंचनामा किया गया? हाँ सर। जल्दी से जल्दी सड़क से हटाओ, यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो इसे उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। खाना जरा, चलो उठाओ ले जाओ सर। चलो चलो जी सर, फटाफट। और एक एक करके पूछो। हाँ बोलिए सर, बताइए सर, आपको किस पे शक है? देखिए अभी अभी तो खून हुआ है, तुरंत कुछ कहना मुश्किल है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये खून किसने किया ये तो सारा शहर जानता है, आप नहीं जानते क्या? सर आप उसका नाम बताइए। आप ही बता दीजिए उसका नाम। क्यों याद नहीं आ रहा है? यही तो बात है, दिन दहाड़े खून हो जाता है, हजारों लोग हैं यहाँ लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। यहाँ भी इतने सारे लोग, किसी से भी पूछ लीजिए, क्या यहाँ खून होते हुए देखा? नहीं देखा। किसी ने हेलमेट पहना हुआ था, कोई फोन पे बात कर रहा था, कोई सिग्नल क्रॉस कर रहा था। देखा सबने है लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। चलिए मैं ही पूछता हूँ, आपने कुछ देखा क्या? सर, मैं तो अभी अभी आया। अच्छा मतलब कुछ नहीं देखा, सुन लिया ना, इसने भी नहीं देखा। आप में से कोई कुछ देखा? नहीं सर, नहीं नहीं देखा। तमाशा सब देखते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। कमाल की धार है इसकी, शाबाश। कमाल का औजार बनाया है, पता नहीं कितनों को मारा है मैंने, कितने टुकड़े किए हैं, पर आज तो एक ही वार में खलास। बड़ी मस्त चीज है रे ये तो। काम का लड़का है तू, मैंने सही कहा ना? भाई बिल्कुल सही। आज इस खुशी के मौके पर नाचो झूमो खुशी मनाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, झगड़े तो हमारे गांव में भी होते हैं, जमीन जायदाद लड़की को लेकर कई बार झगड़े होते हैं और लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं और कई बार जान से भी मार देते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को मारना इन्होंने अपना पेशा बना रखा है। दुख तो इस बात का है कि ऐसे लोगों की यहाँ मैं काम करता हूँ। देखा जाए तो एक तरह से मैं भी इस पाप का भागीदार हूँ ही,
मेरे बनाए औजारों से ही तो उनकी दुकान चलती है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। भैरव, अच्छा होगा कि हमें शहर छोड़ दें। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ सकता है। इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो जाए, चल वापस गांव चलते हैं। ठीक कह रहे हो मामा, ना इस शहर में रहना है ना इनकी नौकरी करनी है। गाँव में जो भी रुखा सुखा मिलेगा उससे गुजारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं। जहाँ आप नहीं रहना चाहते वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, काम हो जाना चाहिए। एक मिनट रुको। भैरव, क्या बात है, क्या काम है? मालिक, वो घर पर पूजा है, अगर आप कहें तो जाकर आऊं। जाना जरूरी है क्या? जाना पड़ेगा मालिक, मैं नहीं जाऊंगा तो माँ की मदद कौन करेगा? पैसे वैसे की जरूरत है क्या? नहीं नहीं मालिक, आपके वैसे भी बहुत उपकार है। ठीक है, जा, लेकिन जल्दी आ जा। हाँ ठीक है मालिक। हेलो, हाँ तो मैं कह रहा था कि उसको वही निपटा दो। बस 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 बस, यही रुक, यही रुक। कितने हुए? 40 और दे दीजिए। ये लो, तुम जाकर क्लास में बोल दो। हाँ। कल से तुम नहीं आ पाओगे। ओके। मैं जाकर मामा को लेकर आता हूँ, ठीक है ना? ओके। फुर्सत में बनाया है, तेरे अंग अंग को भड़कीला और भड़कीला बनाया है। एक बार मुझे तेरा रसपान करने को मिल जाए, देर मत कर, अपने अधरों का रस दे दे, मुझे तृप्त कर दे। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? एक बार मेरी आगोश में आ जा, जन्नत दिखाऊंगा। चुप कर। चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे, गुटर गुटर। बताऊं तुझे अभी? गुटर 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 गुटर। तेरे छूने से वायलिन में इतना सुर है तो तेरे जिस्म में कितनी आग होगी। अपनी जिस्म की आग से मुझे भी एक बार जला दे, न जाने क्या क्या निकलेगा जब होगा हमारा समुद्र मंथन। जाने दे इसे, कहा ना जाने दे। जानता मैं कौन हूँ? तू चाहे कोई भी हो, गलत करेगा तो भुगतेगा। ए भाग चला, ए रुक,
चल पकड़ से। रुक जा। चलो से। फिर साले को। कहाँ जाएगा बच के? राघव के बेटे को कोई मार रहा है सर? राठौड़ के बेटे को मारने का मतलब मौत को बुलाना सर। इसका भी वही हाल होगा। चलने दो जो चल रहा है, हर जगह टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। चल गाड़ी चला। ये मेरी पत्नी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये। मामा निकले क्या? अरे निकले तो कई जमाने हो गए यार। पता है तुझे क्या हुआ? क्या? मालिक का बेटा अस्पताल में सीरियस पड़ा है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो मालिक का एक लौता बेटा है ना, क्या हुआ उसे? जैसी करनी वैसी भरनी, उसके साथ कभी कुछ अच्छा होगा क्या? छोड़ना मामा, किसी के जले पे नमक क्या छिड़कना। बाप गलत है इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटा भी गलत है। जो भी हो, हमने उनका नमक खाया है, जाकर देखना तो बनता है। तुम जाकर गौरी को भी हॉस्पिटल ले आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, जल्दी करो। हे भोलेनाथ, बाप ने जो पाप किए हैं उसकी सजा भला बेटा क्यों भुगते? वो बेचारा अस्पताल में है, उसे आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए भगवान। जय भोलेनाथ। किसने की मेरे बेटे की ये हालत? चल बताओ, से यही जिंदा गाड़ दूंगा, सिर्फ नाम बता तू। मेरे को मालूम नहीं है कि विक्रम राठौड़ पर हाथ डालने का क्या मतलब होता है। चल निकल, ढूंढ कर ला उसे। चलो 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 सर, चलो जल्दी चलो। मालिक भैरव, मालिक क्या हो गया आपके बेटे को? जा अंदर जाकर देख क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की। जा देख। जाता हूँ। देख, तूने जो किया है तुझे उसी की सजा मिली है। ए महादेव, इसकी अकल और सेहत दोनों ठीक करना। पता नहीं मेरे बेटे की किसने ये हालत करती है। मैं सब छोड़ूंगा नहीं। मालिक भैरव, वो मेरा इकलौता बेटा है, पता नहीं ठीक होगा कि। मैं जानता हूँ वो ठीक हो जाएगा, मैंने महादेव का टीका भी लगा दिया। अच्छा मालिक, आपके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो मेरी होने वाली बीवी पर हाथ डाल रहा था, सजा तो मिलनी ही थी। तेरी तो तुम चुप रहो, चुप रहो, चलो। ओए! जिस जगह उस लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत की, वहीं उठा कर ले आएंगे मेरे आदमी उसे। बीच बाजार उसकी इज्जत नीलाम करेंगे, तब मुझे सुकून मिलेगा। और जो तूने गद्दारी की है उसके बदले तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। खत्म कर दो उसे। हाँ
रे, हैरान है ये देखकर कि सिर्फ कपड़े फटे तेरे आदमी नहीं, आज सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी तेरा नमक खाया था। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो ये शहर तेरे लिए कम पड़ जाएगा। बनाने वाले हाथ इसे चलाना भी जानते हैं, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चाहता तो बिना बताए भाग जाता, लेकिन तेरा नमक खाया है इसलिए तेरे से नमक हरामी कैसे करता। जिन चमचों के बलबूते पर तू कूद रहा है ना, उनमें से कोई टिकेगा नहीं मेरे सामने। ए! तू बीच में मत आ, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तेरे बेटे ने गलती की इसीलिए उसे सजा मिली, उसके बदले में तूने और तेरे आदमियों ने मुझे पीटा, वो भी मैंने बर्दाश्त किया। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। तेरे बेटे ने जो गलती की वो तू भी करने जा रहा है। ऐसा मत कर, मेरे अंदर के शैतान को मत जगा, काट डालूंगा। पुलिस स्टेशन चलो। सर भैरव। सर यही मेरा भांजा। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। हेलो। अरे हेलो। हाँ सर बोलिए। ए एसएपी, हमने उस भैरव को मामूली आदमी समझने की गलती कर डाली। मेरे बेटे की हालत का जिम्मेदार वही है, मुझे वो चाहिए। मेरे हाथों से कोई बच ही नहीं सकता सर, घबराइए मत। चल गाड़ी में बैठ, चल चल जल्दी। अरे हीरो ने उसको इतना पीटा कि वो तो बेचारा निकल लिया। अभी अभी देख कर आया मैं। अब इसको ऊपर भेजने की जिम्मेदारी मुझे दी गई, क्या करूं इसका। पानी पिएगा? क्या हुआ, डर रहा है? हा? अरे मरने से कोई डरता है क्या? अरे मरना तो सभी को है एक दिन। अरे तूने तो उस राठौड़ से पंगा ले लिया, वो भी अकेले, इतना डरपोक तो नहीं है तू? नहीं 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 नहीं, चल बता क्या करूं मैं तेरे साथ। अब जो गया उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता। वैसे अच्छा ही हुआ तूने हमारी जाने अनजाने मदद की है, लेकिन ये सब करके तू फंस गया। आज मेरा एक अरमान पूरा हो गया। आई एम सो डैम हैप्पी टुडे। सर मुझे सबक सिखाना था, जान से नहीं मारना था। अगर उसकी मौत हो गई है फिर तो उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। इन्हीं हाथों से मैंने राठौर साहब के बेटे को मारा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। सर अनजाने में ही सही, लेकिन ये मेरी गलती है। सर आप मुझे सजा दीजिए। शट अप, मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए सर। शट अप, आई सेड शट अप, मुझे मार दीजिए। लेकिन सर मैंने कहा ना कुछ मत बोल। कितनी ओवर एक्टिंग करता है? हाँ सर मेरी गलती है, मैंने मारा है, मुझे माफ कर दीजिए। किसने मारा उसे? मैंने। बिल्कुल नहीं, मैंने मारा उसे। हाँ यही सच है। We'll be right back.
मेरी इकलौती बहन का वीडियो बनाया था उसने, तब से मैं इस आग में जल रहा हूं। हाँ पता, मैं सुन रहा हूँ, बता। भैया, भैया, उसे मत छोड़ना भैया, कुछ भी हो जाए, उसे कभी माफ मत करना भैया। भैया, भैया। वादा करता हूँ, नहीं छोड़ूंगा। हेलो। डालने की कोशिश की ना तूने, तो तेरी बहन का वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी, मजे लेगी। हेलो, एक मिनट। अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? ठीक तो है? लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरी बहन और उसके मंगेतर ने खुदकुशी कर ली। बेटे की मौत के गम में मां बाप भी चल बसे। दो परिवार बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। भैरव, इस महाभारत की सारी कड़ियां मेरे हाथ में ही है। मुझे बस एक अर्जुन की जरूरत है, जो तुम हो। सुनो, सुनो, राठौड़ का बेटा तो अब मर चुका है और उसके बाप को लगता है कि तुमने उसे मारा है, जो अच्छा है। मैं जो कहूं तुम वैसा ही करना, बस दो दिन उनसे बच के रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माफ करो सर, मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ता, मैं तो चला गांव। मामा चलो गांव, अरे हमें इस पछड़े में नहीं पड़ना है। ना इसे नहीं, अरे सुनो भैरव, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, वैसे भी उसके आदमी तुम्हारे गांव तक पहुंच गए होंगे। देखो सिर्फ दो दिन की बात है, सिर्फ दो दिन। उसके आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। सर आप मुझे डरा रहे हो, मैं किसी से नहीं डरता। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं आ रहा हूँ, और ये सब कुछ छोड़कर मेरे भरोसे आई है। इसकी जान थोड़ी ना खतरे में डालूंगा। एक बार मैंने जो वादा कर दिया तो कुछ भी हो जाए, मैं उसे निभाने से पीछे नहीं हटता। बचपन से यही सिखा है मैंने, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन अपनी बात का पक्का हूँ। मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है ना तो छोड़ता भी नहीं। आने दो, कौन आता है देखता हूँ। भैरव, 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 मैं सिर्फ दो दिन की मोहलत मांग रहा हूँ। देखो भैरव, हर जंग सामने से नहीं लड़ी जा सकती है, कभी कभी हमें छिप के छल कपट से भी काम लेना पड़ता है। राठौर जैसे कमीनों के लिए ये गलत भी नहीं है, और तुम तो इस महाभारत के अर्जुन हो। वो अपने बेटे की मौत के गम में तुम्हारे पीछे आएगा और वहीं गलती कर बैठेगा, और मुझे बस उस पल का इंतजार है। भैरव मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे दो। आप लोग भी इसे समझाइए। हाँ बोल दे भांजे, मान जाओ ना। चलो ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हो तो मान लेता हूँ, पर मैं किसी के बाप से नहीं डरता। आप बोल रहे हो इसलिए गाँव नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी बात लगाने की सोचेगा ना तो भैरव भैरव नहीं रहेगा, काल भैरव बन जाएगा। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुझे आग देनी पड़ेगी। उस कमीने के खानदान में जितने भी लोग हैं सबको चुन चुन कर मार डालो। जाओ, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जाओ। कौन हो आप लोग? भैरव की मां तू ही है क्या? हाँ मैं ही हूँ। चला उठा ला बढ़िया का। कौन है बेटू? मेरे घर में आके मुझे ही धमका रहा है। बूढ़ी हो गई हूँ इसे चलाते चलाते, मैं समझ ले। ज्यादा चूचा की ना तो तेरी गर्दन काट के अलग कर दूंगी। हाँ अपना थोड़ा परिचय दे देती हूँ तुझे। फल हो, सब्जी हो, मांस हो, मच्छी हो, गधा हो, घोड़ा हो या फिर कोई इंसान, इसकी धार से बच नहीं सकता। समझ में आया? तू जिसकी रौब में यहाँ आया है ना, इससे दिन भर खेलते हैं हम, बगल में लटका कर घूमते हैं इसे दिन रात हम। तेरी भलाई इसी में है कि तू हाथ कम और मुंह ज्यादा चलाए, समझा? तेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओए, मेरा बेटा गलती कर सकता है क्या? तुम लोगों ने कोई गलती की होगी और मेरे बेटे ने तुम्हें उसकी सजा दी होगी। नहीं, तेरा बेटा वहाँ से डर के भाग गया है। डर के भागा? हाँ। मेरा बेटा? डर तो उसे छू भी नहीं सकता, वो मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है। ना हम गलत करते हैं और ना किसी के साथ गलत होने देते हैं। मेरी बेटी की खबर लेने यहाँ तक आया है, यही गाड़ दूंगी तुझे। चल निकल, लौट जाओ, चुपचाप उल्टे पाओ, इसी में भलाई है। भैरव तुम्हारे लिए काल भैरव बनेगा।
जा जाकर अपने मालिक से बोल दो कि जिस घर में शेरनियाँ रहती है वहाँ कुत्तों का कोई काम नहीं होता, वरना सिर यहीं रख लेंगे और धड़ तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। चल निकल, चल 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 निकल, चल चलो। साले नामर्द कहीं के, घर की औरतों को काटने आए थे ये, जानते नहीं हम क्या चीज है। शांत हो जाइए। मेरा बेटा शेर है शेर, और उस पर हमेशा उस माता का साया रहता है। देख रहे वहाँ कोई बैठा हुआ है, पूछते हैं कौन है ये लोग। भैया यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे पहचाना नहीं? उस दिन ढाबे में जिसकी जान बचाई थी मैं वही हूँ। लगता है आप लोग परेशानी में हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलकर बात करते हैं। चलिए ना, चलिए भैया। चलो भाई, चलिए आ जाओ आ जाओ। फिक्र मत करो बेटा, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई की दस्तक छुपी होती है। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते दर दर भटकेंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहां कोई भी आता जाता नहीं। जब किसी के यहां बेटा पैदा होता है तो खुशियां मनाने के लिए हमें बुलाया जाता है, बस उसके अलावा हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं। पर इसमें हमारी क्या गलती है? क्या हम इंसान नहीं हैं? देखो बेटा, अगर तुम उन बदमाशों के हाथ लग गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दो दिन यहीं रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। दो दिन बाद हमारे भगवान की पूजा है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे वहां, और वहां से तुम अपने गांव चले जाना। क्यों, क्या कहते हो बेटा? यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा बेटा। दो दिन रुक जाओ ना भैया। जब इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना दो दिन। भांजी मुझे लगता है यही सही रहेगा, हमें रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ रुकिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, आओ तुम भी बैठो। ये लो, तुम भी लो। क्यों रो रही हो बेटी? इतने प्यार से आज तक मुझे किसी ने नहीं खिलाया माँ। हमारी भी वही कहानी है बेटी, बच्चों का सुख तो उस भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। इसी तरह ही सही, एक माँ होने का एहसास क्या होता है आज मुझे भी पता चल गया। तुम भी तो मेरे बच्चे की तरह ही हो। खाओ खाना खाओ। लाओ दे दो, हाथ धुलवाती हूँ। रुको रुको, एक मिनट रुको बेटा, इससे पोछ लो। सुनिए, एक मिनट। ये साड़ी मैंने अपनी माँ के लिए खरीदी है, आप रख लीजिए। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदूंगा, और आप भी मेरी माँ जैसी ही हैं, इसलिए ये मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप ये रख लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बेटा, ये मैं अनजाने में मैंने उस पापी के यहाँ नौकरी की, और उसी के पैसों से ये साड़ी खरीद कर आपको देते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये साड़ी ले लेती हूँ। कल देवी की पूजा में ये साड़ी उन्हें चढ़ाकर मैं खुद पहनूंगी, और इससे तुम्हारे दिल का बोझ शायद थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ सारे पाप धुल जाते हैं, तू भी पापी दिख रहा है। आजा 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 आजा
आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा, तुम्हारी वजह से हम भी दो दिन हंस बोल लिए। एक माँ बनने का एहसास क्या होता है ये भी हमें पता चल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारी देवी के दर्शन कर लो। हाँ चलते हैं। हाँ जरूर चलेंगे मेरा राजा बेटा। हाँ दीदी। वहाँ बैठे आंसू बह रहा है, तेरे बेटे का कातिल यहाँ खुला घूम रहा है, तू हाथों में चूड़ियाँ पहने बैठा रहे, इसकी कहानी तो मैं खत्म करती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी दीदी, काटो अंत उस कमीने का। एक माँ होने का एहसास क्या होता है आज मुझे भी पता चल गया। तुम भी तो मेरे बच्चे की तरह ही हो। कहाँ जा रहा तू? खेल खत्म करने मामा। संभालो अपने को, संभालो अपने को भाई। अरे जीना मरना तो ऊपर वाला का हाथ में होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ भाई शांत हो जाओ, भाई शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। हाँ हिम्मत मत हारो, उसको किसी हालत में नहीं छोड़ना, उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालना होगा। तुम्हारे लिए वो मुसीबत बन सकता है, समझ गए ना? कहीं से भी उसको ढूंढ कर उसको खत्म कर दो। उसको जिंदा छोड़ने का मतलब है कि अपना मौत को बुलावा। ए संभाल अपने को, रो मत रे भाई। अरे बे कौन है भाई को धमकी देने वाला ये? अरे जानता नहीं क्या किससे बात कर रहा है तू? जान से मार देंगे तुझे हमारे। ऐसा ना कि नहीं, भैरव बोल रहा हूँ, काल भैरव। एक कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपने बारे में कोई गलतफहमी मत पालना। जंगल में मुझ जैसे शेर का सामना करेगा ना तो तेरी मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। सामने आ, सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ। तू भूखे शेर को ललकार रहा है, तेरी मौत जो तुझे बुला रही है। चल बोल कहाँ आना है। ये पूरा शहर मेरी जागीर है, हिम्मत है, हिम्मत है यहाँ आने की। अबे गीदड़ भपकी किसे दे रहा है तू? हाँ तेरे चमचों के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा। तेरी बलि चढ़ाने वाला आज मेरे सामने खुद बलि हो जाएगा। मेरे सामने बकरी की तरह मैं करके गिड़गिड़ाएगा। तुम सब लोग सुन लो, जब तक मैं उसकी पोटी पोटी नहीं कर देता मेरी बहन की चिता नहीं जलेगी। देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाता है। चलो। राठौर, अरे अरे कहाँ चला गया? रोको उसको कोई। अरे तो जा रहा है। अरे कैसे होगा? अरे अरे रुको राठौर। हेलो एसीपी, ध्यान से सुन, राठौर अपना बहन का अंतिम संस्कार किए बिना ताव में चला गया। पता नहीं कितना लोग को काट डालेगा, कितना लोग का लाश गिरा देगा। हमको तो बहुत डर लग रहा है, मेरा प्रोटेक्शन के लिए तुम यहाँ चलाओ। तुम कहे रो रही हो, हम हूं ना यहाँ पे। ए भैरव,
आ गया? कब तक बचेगा तू? तुझे तेरी मौत यहाँ तक खींच कर लाई है। धपका दो साले को। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डरने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का वक्त है बेटी। नहीं, उंगली के बराबर आदमी इतना मोटा आदमी को पटक दिया। अरे हमारा प्रोटेक्शन वाला सब कहां चला गया? ए भाई इधर आओ। गुड आफ्टरनून सर। कुछ नहीं किया हूं। अरे कहां चला गया था तुम? हैं, इतना भीषण लड़ाई चल रहा है और तुम हमको छोड़कर चला गया? नहीं सर, देखो उधर उनको पकड़ो जाके। अरे वहाँ पे कोनो शूटिंग चल रहा है जो तुम ऐसे खड़ा होकर देख रहा है? मैं और क्या कर सकता हूँ सर? अरे उसको मार देगा वो। माफ कर दो। क्यों कमीने, हट गई तेरी?
इतना बड़ा दादा बना फिरता था ना तू, तो साले तेरी जान पर बनाई तो माफी मांग रहा है। ए, तू जैसे कुत्ते तो कितने आए और कितने चले भी गए, इसकी ताकत पे फुदक रहा था ना तू। कमजोरों से नहीं मुझ जैसे शेर से मुकाबला करता तब पता चलता तेरी मर्दानगी का। हट साला, लोगों को डरा धमका कर जो तूने इज्जत शोहरत कमाई है उस पर थू है थू। अरे इंसानियत के नाम पर तो तू कलंक है कलंक। मुझ में अपनी इंसानियत बाकी है इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। अगर आइंदा मेरे आड़े आया ना तो काट के रख दूंगा। ए, 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 सीपी, एनकाउंटर कर दो उसको। हाँ, सर। मंत्री बोल रहा है तुमको, शूट कर दो। हाँ, शूट कर दो उसको। अरे थोड़ा धीरे से चलाना। अरे ये क्या, उसको मार दिया। कैसा निशाना है तुम्हारा, उसको शूट करने के लिए बोला था तुम उसको मार दिया। ए, बिना ट्रेनिंग के चले आए, कैसे ऑफिसर बन गए। निशाना सही है, सही आदमी को मारा है। मैं यहाँ इलाके का मुआयना करने आया और मैंने देखा कि कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे थे और इसीलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। और देखा तो आप भी यहाँ मौजूद हैं और राठौड़ और उसके आदमी तो आपको ही मार रहे थे। मुझे मार रहे थे। हाँ, और आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल गया, गोली चलानी पड़ी और अचानक उस राठौड़ ने आपको गोली से उड़ा दिया। हमको मार दिया। कैसा बात कर रहे हैं आप, हम तो यहाँ पर जिंदा खड़े हैं अभी। मजाक कर रहे हैं आप। मजाक नहीं है। हमको मत मारिएगा, हमारा बीवी बच्चा है। अभी तो हमको सीएम बनना भी बाकी है, तुमको कमिश्नर बना देंगे। तुम तो बहुत ही अच्छा आदमी हो, हमको छोड़ दिए। और देखो ना, हमको मारने पर तुमको क्या मिलेगा। देश सुधर जाएगा। नहीं नहीं, हम सुधर जाएंगे ना, हम तुमको प्रॉमिस करते हैं, हम बिल्कुल सुधर जाएंगे, समाज सेवा करेंगे, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। देखो हमको छोड़ देना। चल माफ किया, छोड़ दिया आपको। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना मुझे 2 दिन दे दो, सब ठीक कर दूंगा। खत्म हो गया वो, अब तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया है। मंत्री गवाही देगा कि उसकी जान बचाने के लिए मैंने राठौड़ को मारा और भैरव का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम एकदम आजाद हो, अपने गांव लौट जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ भैरव, अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट भैरव। चलता हूं सर। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।